पांक सर्कस का शमशुल रोड इलाका काफी व्यस्त इलाका माना जाता है और यहाँ की व्यस्तता में यहाँ की ट्रैफिक का भी काफी अहम रोल है। दरअसल शमशुल होदा रोड का ये इलाका इन दिनों ट्रैफिक के कारण काफी जाम रहता है और जिस पर लगाम कसने के लिए यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से क्वेस्ट मॉल से गुलाम रसूल माजिद तक के वन साइड ऑफ नो पार्किंग जोन में बदल दिया गया है ताकि कोई भी यहाँ गैर जरूरी तौर पर गाड़ी पार्क ना कर पाए। वहीं ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी इस नो पार्किंग अभियान को सफल बनाने के लिए साइकिल रिक्शा को भी यहाँ खड़े होने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। पुलिस की ओर से सख्ती किए जाने पर यहाँ पर साइकिल रिक्शा वालों ने विरोध जताया है। देखिए जैसे नो पार्किंग जोन यहाँ से जैसे हम लोग पुलिस लोग आके जो बताया उन लोग जो बताया उनके तरफ से हम लोग पता चला है ये पूरा आपको गुलाम रसूल मस्जिद से लेके क्वेस्ट मॉल तक पूरा रास्ता को नो पार्किंग जोन किया गया है बिकॉज इतना कंजेस्टेड हो जा रहा है, इतना परेशानी हो जा रहा है कि यहाँ पर लोग शाम को चल नहीं सकते हैं, बाइक निकल नहीं पाता है। आप गाड़ी तो छोड़ दिए, बाइक निकलना मुश्किल है। एम्बुलेंस अगर कहीं भी कोई हादसा हो जाए या कहीं पर आग लग जाए तो लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे और जिसके घर में अगर आग लगेगा तो पूरा बिल्डिंग जल के ख़राब हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम प्रशासन की तरफ से उठा है कि यहाँ पर लोग को आगाह किया जा रहा है कि आप लोग यहाँ पर पार्किंग मत कीजिए। पहले 3 दिन से आके यहाँ पर बोला जा रहा है, सबको समझाया जा रहा है कि अभी कोई केस नहीं दिया जा रहा है, लोगों को बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर अपने दुकान को फुटपाथ से उठा लीजिए। फुटपाथ से जो रोड तक आ चुका है उसको उठाने के बोला जा रहा है और जो इल्लीगल पार्किंग करके रोड में रख के छोड़ दे रहे हैं उनको मना दिया जा रहा है। उनको बोला जा रहा है कि आप अभी पार्किंग हटा दीजिए, अभी वार्निंग दिया जा रहा है, हो सकता है इसके बाद पुलिस और उसके जो हैं उन लोग उसके ऊपर एक्शन लेना चालू करें। तो बिल्डिंग के लोग अपना पार्किंग रखते थे वो कहाँ रखते हैं, उनको परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। देखिए पुलिस जो अगर कभी गाड़ी खरीदा है तो उनको ये भी सोचना चाहिए, जब हम गाड़ी खरीदे हैं तो एक बार गैरेज के लिए बारे में सोचे। ऐसा नहीं कि आप रोड में गाड़ी छोड़ दें, हम लोग इसको नहीं बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर है। और आप अगर KMC के पास में जाइए आपको पार्किंग जोन मिलेगा, आप वहाँ पर रखिए, KMC को पैसा दीजिए और वन साइड कीजिए ना। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, जिसका जो मर्जी आ रहा है दो दो तीन दिन गाड़ी रख के छोड़ दे रहा है, स्पेस को अटका दिया जा रहा है, जगह को रोका दिया जा रहा है जिसमें लोग यहाँ पर नहीं आए। और यहाँ पर जो अगर आप देखिएगा कि यहाँ पर जो यहाँ से लेकर वहाँ तक जो हॉकर्स लगे हुए हैं लोकल बहुत कम सारे लोग हैं, लोकल है नहीं है, बाहर के लोग आके यहाँ पर कर रहे, हो सकता है कोई ना कोई उनको बोल रहा है या रख रहा है, लेकिन यहाँ पर लोकल लोग भी नहीं है जो यहाँ पर हॉकर्स लगा रहे हैं। देखिए अगर प्रशासन और जिस तरह भी एक्शन लिया जा रहा है स्ट्रिक्ट है, अगर इसको कामयाब करेंगे तो इसको अगर इसी तरह चलाते रहेंगे तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा मैसेज गया है। और सभी लोग यहाँ पर जितने क्लब के लोग हैं या मोहल्ले के लोग हैं, जितने लोकल्स हैं उनको ये परेशानी नहीं हो रहा। हाँ एक रास्ता ऐसा निकाला जाए जिसमें ये रास्ता भी खाली हो और जो लोग हैं उनके बारे में भी सोचकर, हो सकता है कि यहाँ पर एक मीटिंग हो उसके बारे में मिलके कैसा किया जाए कि दोनों तरफ का रास्ता निकला जाए कि लोग जो आना जाना कर रहे हैं उनके लिए भी सहूलियत हो जाए। कभी कोई हादसा होए तो जैसे अगर एक्सीडेंट हो जाता है या आग लग जाता है तो उसके बारे में सोचा जाए, किसी घर में अगर कोई बीमार हो जाता है तो एम्बुलेंस भी जैसे निकल पाए इसके लिए बारे में सोचा जाए। और रहा जो लोग पार्किंग कर रहे हैं उनके बारे में भी सोचा जाए कि किस तरह उनका भी मसला हो, जो अगर गाड़ी रख रहे हैं या जो लोग अगर दुकान रखे हैं तो उनका दुकान को छोटा किया जाए, किस तरह एक रास्ता निकाला जा सकता है अगर प्रशासन ठीक से अगर टाइट करे, लोकल लोगों से बैठ के अगर मीटिंग करता है तो एक रास्ता निकल जाएगा इसके लिए भी। वहीं ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी इस नो पार्किंग अभियान को सफल बनाने के लिए साइकिल रिक्शा को भी यहां खड़े होने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। पुलिस की ओर से सख्ती किए जाने पर यहां पर साइकिल रिक्शा वालों ने विरोध जताया है। ये हो रहा है कि हम लोग रिक्शा लेके चल रहे हैं, बड़ा बाबू है, रोक के हम लोग पैसेंजर लेके जा रहे हैं, हवा खोल दे रहा है और साथ में ड्राइवर को भी मारा जा रहा है, समझिए। वो क्या जाने, वो जानता है कि क्यों हवा चल रहा है। गाड़ी यहाँ चलने नहीं देगा, बोलो चलने नहीं देगा रिक्शा। हाँ रिक्शा यहाँ चलने नहीं देगा, यहाँ पर ही रोड में बोले मेन रोड से हम देखने नहीं मांगता है गाड़ी, रिक्शा देखने नहीं मांगता है। अच्छा सर ऐसा बोल रिक्शा ये तो रोड खाली करने का परमिशन था तो रिक्शा खाली करने का तो परमिशन नहीं था तो फिर रिक्शा वाला कोई लोग गाइड दे रहा है कि मतलब कि रिक्शा नहीं चलने देगा। हम लोग रिक्शा लेके जा रहा है, खाली रिक्शा भी लेके जा रहा है, बेलपिन निकाल दे रहा है, बेलपिन निकाल के रिक्शा वाला को मार दे रहा है। ये ऑफिसर बहुत जुलूम कर रहा है सर, ये ऑफिसर के ऊपर कुछ कार्रवाई कीजिए। जी के पास भी ये रोड में भी कुछ मॉल से हम लोग का कुछ मॉल का पूरा स्टैंड है हम लोग का, यहाँ से बेग बगान का मोड़ से हम लोग लगाते हैं, फ्लाई ओवर ब्रिज का पास से गाड़ी चलता है और पूरा लोहा पुल तक का जाता है। ये जो अभी आया है ऑफिसर तो वो ऑफिसर का नाम है आपका चले जाके राजकुमार साव शेख, राजकुमार कुछ ऐसा नाम है, वही हम लोग ऊपर में ज्यादा ही कर रहा है।
बोलो एक लिए हमको बहुत तकलीफ है, बहुत ही कर रहा है, मतलब एक बगान से लेके पूरा ब्राइट स्ट्रीट तक का रिक्शा वो देखने नहीं मांग रहा, बोल रहा हम रिक्शा देखने नहीं मांगते, ऐसा बोल रहा है, आदमी को मार रहा पकड़ के ड्राइवर लोगों, ऐसा ऐसा बेतुका मार रहा जो कुछ बोलने का नहीं है। यहाँ ढांगा बाजार में रिक्शा लेके आ रहे थे, रोक के हवा ढांगा बाजार के पास में पाक्सागंज मार्केट, वहाँ से रिक्शा लेके आ रहे हैं, रोका एक तबड़ाक मारा भी है, हवा भी खोल दी है, हवा खोल के बोलता है इसे यहाँ से रिक्शा वेक्शा हटाओ, रिक्शा नहीं चलेगा यहाँ पर। हम बोल रहे हैं सर हमारा कोई गलती नहीं है, फिर भी हमारा बात नहीं सुना है, हवा खोल के बेल्टिन फेंक दी है रास्ता में। क्या बोला है बेग बगान मोड़ से, एक मिनट हम लोग ऐसी परमिशन है बेग बगान मोड़ से लेकर लोहा पुल तक का, और हम लोग पहले था अभी नहीं है, अभी मतलब हम लोग शुरू जब तुम लोग रिक्शा चला रहे हैं लाइन में चला रहे हैं। अच्छा बोलिए, हम लोग तो पढ़ाई लिखाई किए नहीं, कोई हाथ का हुनर काम सीखा नहीं, एक तो हम लोग रिक्शा चला के खा रहे हैं वो भी करने नहीं दे रहा, तो आदमी और क्या करेगा बोलिए, चोरी चकाटी करेगा, खट कमा के अगर खाने नहीं देगा तो आदमी और क्या करेगा बोलिए। गाड़ी तो 15-20 साल से गाड़ी चल रहा लोहा पुल में, 20 साल से रिक्शा चलता है, हम लोग यही का लड़का है, ये बाहर का लड़का नहीं है, हम लोग ये रूट है बेग बगान से लेके लोहा पुल तक का, हम लोग का रूट है, हम लोग इससे पहले भी आप लोगों को नहीं, इससे पहले नहीं, ये 2-4 दिन से ये हो रहा है, ज्यादातर 2-4 दिन से हो रहा है, कितनी खाली रिक्शा में ज्यादा प्रेशर दे रहा है, पहले फुट में कर रहा था चलो कोई बात नहीं, फुट रोड खाली करके फुट कर रहा है भाई फुट के ऊपर, उससे हम लोग को कोई परेशानी नहीं है, मगर अभी 2-4 दिन से ऐसा परेशानी कर रहा है, रिक्शा लोग पकड़ के मार रहा, बेलपिन खोल दे रहा, टायर काट दे रहा, लोग सब ऑफिसर लोग जुलम कर रहा था, सब सारियन लोग आदमी जाएगा कहाँ सर बोलिए, गरीब आदमी तो कमाएगा खाएगा कुछ भी खाएगा, जो ऑफिसर बोल रहा क्या कि तुम लोग नौकरी करो तो नौकरी कौन देगा, वो नौकरी दे सकेगा, नौकरी तो देने सकेगा, हम लोग तो दूसरा काम करता था, वो काम भी नहीं हो रहा, अब हम लोग रिक्शा धर रहा तो रिक्शा में दो पैसा कमा रहा, बाल बच्चों को खिला रहा तो बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा, स्कूल का बच्चा को लेके जा रहा है, रिक्शा काहे के लिए निकला कि रिक्शा निकला कि स्कूल का बच्चा को छोड़ने के लिए, और कोई पेशेंट जो है पेशेंट को छोड़ने के लिए, इतना बड़ा लॉकडाउन किया, ये लॉकडाउन में ये रिक्शा काम आया, बहुत दूर दूर जगह रिक्शा किया, कोई गाड़ी नहीं था कुछ भी नहीं था, ये रिक्शा ही वाला ले लेके पेशेंट को लेके जा रहा आ रहा जा रहा, उस टाइम भी कुछ नहीं किया, अभी ये ऑफिसर नया ऑफिसर आके ये हम लोग संग में ऐसा ऐसा हरकत कर रहा है, इसके लिए कुछ कार्रवाई कीजिए आप सर, सरकार को ये अपील करने चाहते हैं कि मतलब सरकार हम लोग का मामला में देखे, हम लोग गरीब आदमी है, गरीब आदमी हो संग में हम लोग कुछ अभी कुछ बोले रूट रूट का कुछ बोला नहीं, रूट रूट का तो कुछ भी नहीं बोला सर, रिक्शा हटाओ कोई हम लोग बोल रहा नहीं, बोला लाइन में रिक्शा नहीं देखने मांगते चलाएंगे आ रहा है सीधा बोल रहा जो रिक्शा देखना नहीं चाहते एकदम चल हफ्ता 10 दिन से मैं लगा हुआ, जब से आया मैंने ऐसे जोर जुलम कर रहा, एक्चुअली वो गाड़ी के लिए आया है जो वन साइड पार्किंग होगा, ठीक है तो इसे रिक्शा के लिए तो जुलम करना ठीक है, इस आदमी चोरी चिंताई करेगा लूट मार होगा यही होगा, जब गरीब आदमी नहीं खा सके तो यही होगा ना, हम लोग चाहते हैं जिसका सरकार कुछ एक्शन ले, अभी तक बोले जो यहाँ से यहाँ तक चलाना है।